ऐसा नहीं है कि मोदी भक्त बेवकूफ है और भक्त अपनी मूर्खता के कारण मोदी की हर गलती का समर्थन करते हैं। नहीं, भक्त बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं। भक्त बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। भक्त बनाने का एक पूरा राजनीतिक शास्त्र होता है। भक्त बनाने के पीछे राजनीतिक फायदे का पूरा गणित होता है। हिटलर ने भी भक्त बनाए थे। जब हिटलर ने 1,10,00,000 लोगों की हत्या की तब उसके भक्त उसकी जय जयकार कर रहे थे। हिटलर ने अपने भक्तों के दिमाग में बैठा दिया था कि यहूदी हमारी नौकरी खा रहे हैं, हमारी सारी समस्या की जड़ यहूदी है, यहूदी को मार डालेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इसके बाद हिटलर ने बूढ़ों, औरतों, बच्चों समेत 1,00,00,000 से ज्यादा लोगों को मारा, जिसमें 60,00,000 यहूदी और 50,00,000 दूसरे लोग भी थे। आइए अब भारत की बात करते हैं। भारत में संघ ने आजादी से पहले ही मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों के विरुद्ध नफरत फैलाने का अभियान शुरू कर दिया था। बड़ी जातियां जो भारत में हमेशा से पैसा और सत्तावान थी, वे संघ की जन्मदाता थी। इनका उद्देश्य यही था कि भारत की आजादी के बाद भी पैसे और सत्ता पर हमारा ही कब्जा रहना चाहिए। पिछली 4 पीढ़ियों से भक्त तैयार करने का काम अब इस मकाम पर पहुंच गया कि इन लोगों ने भारत की सत्ता पर कब्जा करने में सफलता पा ली। भक्त 2 भावनाओं से भरा हुआ रहता है, मुसलमानों के प्रति नफरत और मुसलमानों से डर। और मुसलमानों के प्रति नफरत और डर की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम होता है मुसलमानों के खिलाफ दंगा। दंगा ही इस डर और नफरत की ऑक्सीजन है। लंबे समय तक दंगा ना हो तो भक्त के दिमाग से मुसलमानों के प्रति डर और नफरत दोनों खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बीच बीच में संघ दंगे कराता रहता है। मोदी जैसा बनावटी करिश्माई नेता इसलिए तैयार किया जाता है ताकि लोगों को नेता की भक्ति के नशे में डालकर देश की अर्थव्यवस्था और शासन पर कब्जा किया जाए, और जब देश को लूटा जाए तो नशे में डूबे हुए लोग कोई आपत्ति ना करें। नफरत और डर में डूबे हुए भक्त मोदी को सिर्फ इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि मोदी ने 2,000 मुसलमानों को मारा और मुसलमानों को ये दिखा दिया कि हिंदू डरने वाली कौम नहीं है। भक्त मानते हैं कि मुगलों के शासन में अपना आत्मसम्मान खो चुकी हिंदू अस्मिता मोदी ने वापस दिला दी। भक्त ये भी मानते हैं कि अब अगर मोदी किसी भी मुद्दे पर नीचा दिखते हैं तो उसका अर्थ होगा कि हमारे शाश्वत दुश्मन मुसलमान जीत जाएंगे। मुसलमानों से हार जाने का काल्पनिक भय ही भक्तों को मोदी की हर गलत बात का समर्थन करने के लिए मजबूर करता है। सांप्रदायिकता की राजनीति का यही दोष है, इसमें जनता अपना भला बुरा नहीं सोच पाती। सांप्रदायिकता के नशे में डालकर जनता का खूब शोषण किया जा सकता है। इसीलिए हम आम जनता को और युवाओं को सांप्रदायिकता की राजनीति के चंगुल से निकालने के लिए काम करते हैं। न हम डरेंगे और न हम रुकेंगे। हमें ऐसा लगता है कि अगर आज भगत सिंह होते तो वो भी यही करते।